नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। और सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदूषण के बारे में लगातार बातचीत हुई, आपने आरोप भी लगाया, सॉल्यूशन भी बताया। मैं चाहता हूं कि एबीपी के जो दर्शक हैं, आपसे जानना चाहती है, जो लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर सबसे पहले करना क्या चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि ये दोनों की दोनों सरकारें जो हैं केवल अक्टूबर के महीने में जाती हैं पोल्यूशन को लेकर। अगर ये राउंड द ईयर काम करें तो ये पोल्यूशन ना हो। इसी दिल्ली को, जिसको आज सब पूरी दुनिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कह रही हो, अमेरिका के वही अमेरिका जिसका राजदूत आज चिंता व्यक्त कर रहा है दिल्ली में पोल्यूशन होने के लिए, इसी अमेरिका ने दिल्ली को कांग्रेस की सरकार के समय क्लीन सिटी का अवार्ड दिया था। और दिल्ली की उस समय की चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा उस अवार्ड को लेने के लिए अमेरिका गई थी। और वो इसलिए दिया था कि हमने 9000 बसेस का बेड़ा एकदम सीएनजी का उतारा था और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम कर दिया था। आज दिल्ली में पोल्यूशन का मेजर कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स होने का, 40% व्हीकलर पोल्यूशन होता है, व्हीकलर वाली सवारी सबसे पहले उसमें शिफ्ट होती है। तो आप अक्टूबर के महीने में खाली काम करने से तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हो जाएगा। दिल्ली में मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल ज्यादा उड़ रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स के काम डिले हो रहे हैं, सड़कों की रिपेयर्स के काम डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़ती है, सेंटर वर्जिस टूटे हुए हैं, उनके ऊपर ग्रीनरी नहीं है, फुटपाथ टूटे हुए हैं जो जिसकी वजह से मिट्टी उड़ती है। तो अगर इन सब कामों को दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार समय अनुसार करे तो ये सब दिक्कतें दूर हो जाएं। मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पिछले 9 सालों में क्या केंद्र की सरकार ने या दिल्ली की सरकार ने कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया? हम अपने समय में मेट्रो लेके आए, मेट्रो के साथ हमने मोनोरेल भी का भी प्रोजेक्ट का टेंडर करा दिए थे, उसको भी इन्होंने स्क्रैप में डाल दिया। कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लाओगे नहीं, सड़कें आप रिपेयर करोगे नहीं, प्रोजेक्ट्स डिले होने से आप बचाओगे नहीं, तो फिर दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ेगा ही घटेगा? इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि 2022 तक मात्र केवल 16 हॉटस्पॉट दिल्ली में होते थे, जो आज बढ़ के 24 हो गए, तो ये किसकी नालायकी है? लगातार दिल्ली सरकार, जो गोपाल राय जी कहते हैं कि हम बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम करें जिससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जैसे अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इसको लेके वो बोले केंद्र भी हमें ये कार्यक्रम है, ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, और टेम्परेरी मेजर्स तब लेने पड़ते हैं जब आप पूरा साल काम नहीं करते। दिल्ली में स्मोक टावर कम हो या दिल्ली में बाढ़ आती है तो उस समय आपको पता लगता है कि गेट बंद है, पॉल्यूशन सिर पे आ जाता है तो पता लगता है आपको स्मोक टावर बंद है, तो भैया बाकी साल क्या करते हो? सर, ये जो बाहर से गाड़ियां जो बंद कर दी गई है, बीएस, ये सब टेम्परेरी मेजर्स है ना, ये टेम्परेरी मेजर्स है। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन करोगे तो अक्टूबर में पैनिक नहीं करना पड़ेगा आपको। सर, लास्ट सवाल, आपने महंगाई की बात की थी प्याज को लेके, प्याज में आपने कहा महंगाई लोगों पे, तो दिल्ली के लोगों पे दो तरीके की मार पड़ रही है, एक एयर पोल्यूशन की, दूसरा महंगाई के पोल्यूशन की। आज प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है दिल्ली में, सिलेंडर 100 रुपए का बढ़ गया है, तो दिल्ली के लोगों को तो डबल मार पड़नी पड़ रही है कि घर से बाहर निकले तो हवा मार देगी और घर में रहें तो महंगाई मार देगी। सर, इस जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, चाहे पोल्यूशन हो या महंगाई हो, किस सरकार को, केंद्र और दिल्ली, दोनों अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच सकती है? दोनों सरकारों का, क्योंकि दिल्ली के अंदर दोनों सरकारों का रोल है ना, दिल्ली की सरकार इससे अपनी जान छुड़ा सकती है ना केंद्र की सरकार, दोनों जिम्मेवार है। समस्या यह है कि दोनों सरकारों को काम करने की आदत नहीं है, एक नारों से जीतती है, दूसरी फ्रीबीज से जीतती है, गवर्नेंस मिसिंग है। दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अपना आने वाले भविष्य को किस प्रकार की दिल्ली सौंप के जाना चाहते हैं। आपने कहा कि अभी दिल्ली में जो लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए आप दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ना ही जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ आप सड़क पर उतर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, और एक सप्ताह में आप ना कोई प्रोटेस्ट ना कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप दिल्ली की जनता के लिए लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस एक कंक्रीट ओपोजिशन करती है, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते। आज भी हम प्रदर्शन कर सकते थे, हम प्रदर्शन करते ट्रैफिक जाम होता जिससे इजाफा होता। हमने अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम दिवाली तक पोस्टपोन कर दिए हैं कि हम इस प्रॉब्लम में इजाफा नहीं करना चाहते। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये अनुरोध किया है कि वो हर चौराहे के ऊपर मास्क बांटे ताकि लोगों की मदद हो सके जो सड़क के ऊपर होते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए हम अपना योगदान दे रहे हैं, जो भी हम एक कंक्रीट योगदान दे सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम साफ और सुरक्षित और दिल्ली वासियों के हित में काम करते हैं, ना कि उन्हें परेशान करने की। जो लगातार भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए और दिल्ली सरकार को जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पे लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, टेम्पररी नहीं। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।